प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले हैं केमिस्ट्री सेट सी का फुल सॉल्यूशन। इसके पहले भी मैंने बहुत से सॉल्यूशन प्रोवाइड करा रखे हैं, तो प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां पे आपको जिस विषय का सॉल्यूशन चाहिए तो आप जाके चेक कर लेना। तो आप देख सकते हैं केमिस्ट्री सेट सी का फुल सॉल्यूशन यहां पे मिलने वाला है आपको। इसके अलावा आपको सेट ए या बी भी मिला है, तो इसको आप अंत तक देखिएगा क्योंकि बहुत से क्वेश्चन डायरेक्टली आपको सेम मिल जाएंगे। तो चलिए फिर हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर एक दिया हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर एक में हमें कुछ इस प्रकार से लिखना है, दूध में मलाई डालने पर से लेके आपको हो जाता है तक इसको पूरा लिख देना। या फिर विद्यार्थी बोल रहे थे उनको स्क्रीनशॉट लेने में प्रॉब्लम होती है, तो मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कराऊंगा। तो पीडीएफ के लिए आपको वीडियो अंत तक देखनी पड़ेगी, आप देख सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड दिया गया है, अस से लेके अभिक्रिया दी हुई है, तो ये पूरी अभिक्रिया लिखनी है। और नेक्स्ट इसी के आगे आपका सेकंड का आंसर दिया गया है। तो यहाँ तक आपका सेकंड का आंसर कवर हो गया। अब देखते हैं थर्ड का आंसर। तो थर्ड आप देख सकते हैं तो यहाँ से लिखना स्टार्ट करना है, फिर इसके बाद ये अभिक्रिया इसी में आएगी थर्ड में। तो यहाँ तक आपका थर्ड कवर हो गया। अब नेक्स्ट है आपका फोर्थ क्वेश्चन। तो फोर्थ भी आप देख सकते हैं यहाँ से लेके आपको यहाँ तक पूरा लिख लेना है। तो यहाँ पे आपका फोर्थ भी कवर हो गया। और इसी के आगे आपको नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन दिया गया था। तो फिफ्थ क्वेश्चन में भी आपको यहाँ से लेके स्टार्ट करना है, एमिनो से लेके कहते हैं तक आपको पूरा फिफ्थ लिखना है। साथ में इसमें अभिक्रिया भी आपको लिखनी है, तो ये अभिक्रिया दी हुई है, तो ये पूरी आपको अभिक्रिया लिख लेनी है। इसके अलावा नेक्स्ट आपका सिक्स क्वेश्चन दिया गया है। तो सिक्स क्वेश्चन ये यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप पढ़ लेना सिक्स क्वेश्चन। इसका सॉल्यूशन हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे सिक्स क्वेश्चन का। तो आप देख सकते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, तो यहाँ से लेके आप यहाँ तक इसको पूरा लिख लीजिए, सिक्स क्वेश्चन आपका कवर हो गया। इसके अलावा नेक्स्ट आपका सेवेंथ क्वेश्चन दिया गया था। तो सेवेंथ क्वेश्चन में आप देख सकते हैं यहाँ पे भी आपको सिद्ध करना था शून्य कोटि की अभिक्रिया के संबंध में कोई क्वेश्चन है, तो आप देख सकते हैं यहाँ से आपका स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ तक आपको पूरा लिखना है। फिर इसके आगे आपको देख सकते हैं इसी के आगे आपको ये शून्य कोटि की अभिक्रिया सिद्ध करनी है, तो यहाँ तक आपको पूरा ये लिख लेना है। ये सेवेंथ आगे भी आपका है सेवेंथ, यहाँ तक आपको पूरा सेवेंथ लिखना है, यहाँ से लेके यहाँ तक। यहाँ पे आपका सेवेंथ खत्म हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आपका एट क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे हेलोजन से लेके आपको ये पूरा समीकरण लिखना है। फिर इसके बाद नेक्स्ट है आपका नाइन्थ क्वेश्चन। तो नाइन्थ भी आपको यहाँ से लेके आपको पूरा यहाँ तक पूरी अभिक्रिया तक इसको लिख लेना है। तो यहाँ पे आपका नाइन्थ क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट आपका है टेंथ क्वेश्चन। तो टेंथ क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो जाता है और व्युत्पन्न होता है तक पूरा टेंथ क्वेश्चन यहाँ तक लिखना है। फिर इसी के आगे आप देख सकते हैं यहाँ पे तक पूरा लिख लेना है। तो कुछ इस प्रकार से ये पूरा टेंथ कवर हो गया। नेक्स्ट है आपका एलेवेंथ क्वेश्चन। तो आप देख सकते हैं एलेवेंथ क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो जाता है और यहाँ तक पूरा आपको एलेवेंथ क्वेश्चन लिखना है। इसके आगे भी एलेवेंथ क्वेश्चन दिया गया है, तो पहले आप इसको लिख लीजिए, फिर इसी के आगे पूरा एलेवेंथ क्वेश्चन दिया गया है। तो यहाँ तक होती है तक पूरा एलेवेंथ क्वेश्चन है। नेक्स्ट में आपको लिखना था पराशरण दाब जैविक महत्व। तो पराशरण दाब के जैविक महत्व एक दो तीन यहाँ पर कवर कर लिए गए हैं, तो इन तीनों का आप स्क्रीनशॉट ले। तो इस प्रकार से पार्ट वन में आपके लिए क्वेश्चन नंबर 12 तक प्रोवाइड किए गए हैं। पार्ट टू में आपको क्वेश्चन नंबर 12 से आगे तक का प्रोवाइड किया जाएगा। चलिए आप देखते हैं इसकी पीडीएफ को कैसे डाउनलोड करेंगे। जैसे ही आप प्ले स्टोर को ओपन करेंगे, यहाँ पे आपको सर्च ऑप्शन में जाना है और टेलीग्राम सर्च कर लेना है, लोड कर लेना है, फिर इसको आपको ओपन करना है। जैसे ही आप ओपन करेंगे ऊपर सर्च ऑप्शन दिखेगा, आप देख सकते हैं इस पर आपको क्लिक करना है और स्टडी नोट्स पीजे ये दिख रहा होगा आपको, स्टडी नोट्स पीजे इसको आपको सर्च करना है। इसको जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आपको ऊपर दिख जाएगा, इसमें आप देख सकते हैं 2600 से ज़्यादा विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, तो इसको आपको ज्वाइन कर लेना है। इसको ज्वाइन करने के बाद संपूर्ण पीडीएफ आपको इसी में मिल जाएगी।